नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। जादू के कोरोना वायरस के खतरे के बीच 117 दिनों के बाद साउथ कैप्टन है। इंटरनेशनल टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त भी ले ली है। बता दूं कि वेस्टइंडीज की इस जीत के हीरो रहे तेज गेंदबाज सैनन गैब्रियल, जिन्होंने वेस्टइंडीज की तरफ से पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 5 विकेट लिए। साथ ही उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें मैन ऑफ द मैच का भी खिताब दिया गया। यानी कह सकते हैं कि इस मैच के अंदर में चारों तरफ से सिर्फ वेस्टइंडीज बल्लेबाज और गेंदबाज छाए हुए थे और इंग्लैंड पर पूरी तरह से भारी पड़े। जिस तरह से लगातार पहली पारी से ही वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड के ऊपर दबाव बनाकर खेलना शुरू कर दिया था, उसका फ़ायदा वेस्टइंडीज को आखिरी यानी कि चौथी पारी में मिलता है। और फिर चौथी पारी में वेस्टइंडीज बड़े ही आसानी से 4 विकेटों से यह मैच जीत लेता है। बता दूं कि पूरे टेस्ट मैच के दौरान वेस्टइंडीज की तरफ से शानदार खेल का प्रदर्शन देखने को मिला। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर मैच में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन बारिश की वजह से पहले दिन मात्र 17.4 ओवर का ही खेल हुआ था, जिसमें कप्तान होल्डर ने 42 रन देकर 6 विकेट यानी कि पहली पारी में कप्तान होल्डर ने 42 रन देकर 6 विकेट ले लिए थे। और इसके साथ ही इंग्लैंड पहली पारी में मात्र 204 रन ही बना पाया। बता दें कि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने आखिरी दिन मैच को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश की। इंग्लैंड के लिए आर्चर ने 3, स्टोक ने 2 और वुड ने 1 विकेट लिया। सीरीज के आखिरी 2 मैच मैनचेस्टर के द ओवल ट्रैफर्ड मैदान पर खेले जाए। यानी कि कह सकते हैं पूरे मैच में अगर देखें तो वेस्ट इंडीज़ पूरी तरह से इंग्लैंड के ऊपर भारी रही और लगातार मैचों में यानी कि कह सकते हैं पहले दिन से ही जिस तरह से उन्होंने दबाव बनाकर खेलना शुरू किया था इंग्लैंड पर, उसका खामियाजा इंग्लैंड को भुगतना। देखने वाली बात यह होगी कि अगले मैच में इंग्लैंड अपनी गलतियां अपने हार को भुलाकर अगले मैच में किस तरह से प्रदर्शन करती है, यानी कि सीरीज के बचे आखिरी 2 मैचों में इंग्लैंड की तरफ से किस तरह से बल्लेबाजी और गेंदबाजी की जाती है, यह अगले मैच में देखने वाली बात होगी।